हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर्मेट कंप्यूटर कोचिंग क्लास गंजबासुका। तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि नेटवर्क क्या होता है। तो दोस्तों, नेटवर्क एक भाषा है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने की प्रोसेस को प्रदान कराता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या हमारे स्मार्ट वॉच या फिर ईयरबड्स, तो हम इनमें इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो वो ये कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया रहती है उसी को हम नेटवर्क कह देते हैं। तो अब नेटवर्क हमारे 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि नेटवर्क हमारे 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पैन नेटवर्क। क्या होता है? नंबर 1 पैन नेटवर्क। नंबर 2 लैन नेटवर्क। नंबर 3 कैन नेटवर्क। नंबर 4 मैन नेटवर्क। नंबर 5 बैन नेटवर्क। ये हमारे नेटवर्क कितने 5 प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे फुल फॉर्म इनका, तभी हम क्लियर तरीके से इनको समझ पाएंगे। तो जैसे कि हमारा पैन नेटवर्क है, तो पैन का फुल फॉर्म क्या हो गया? पर्सनल पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पी फोर पर्सनल। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें आगे के जो वर्ड हैं जैसे पी एल के एम एन एम सॉरी, तो इनमें से हमें इन आगे आगे वर्डों को याद रखना है और हमें इसमें से ये वाली लाइन को अच्छे तरीके से याद करना है। क्योंकि ये वाली जो लाइन है, जैसे सी, जैसे कि हमारा ए और एन, ये हमारा कॉमन वर्ड है। ए फॉर एरिया, एन फॉर नेटवर्क, तो ये हमारा कॉमन वर्ड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है हम उसको याद करना है। जैसे कि हम हमारे यहाँ जाने के एल लैन, लैन नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल लोकल एरिया, ये हमारा ए और हमें एन, इसका हमें फुल फॉर्म याद करना है, एक ही बार में हो जाएगा। और एरिया का ए फॉर एरिया, ये हमें याद करना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक ही बार याद करना है। ये फॉर ए का फुल फॉर्म एरिया, एन का फुल फॉर्म नेटवर्क, हमें बस ये इनका याद करना है, ठीक है। पी फोर हो गया पर्सनल, एल फोर हो गया लोकल, अब के फोर हो गया, के फोर हो गया कैंपस, ठीक है। कैंपस एरिया नेटवर्क, ये हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है मेन नेटवर्क। मेन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपोलिटन, मेट्रोपोलिटन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है हमारा बाइड, बैन। बाइड का, बैन का फुल फॉर्म क्या हो गया? बाइड, यानी डब्ल्यू आई डी ई, बाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारा क्या हो गया? बाइड एरिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें से याद रहे नेटवर्क आप भूल जाएंगे, मुझे पता है आप भूल जाते हैं, सभी लोग भूल जाते हैं। तो हमें याद कैसे करना है? नेटवर्क हमारे 5 प्रकार के होते हैं, पेन लैन कैन मैन बैन। तो हमें इसमें से क्या याद करना है, जैसे पी फोर आई का वर्ड याद कर लो, पी फोर पर्सनल, जो हमारे पर्सनल यूज के लिए रहता है उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कह देते हैं। और ये नेटवर्क होती है छोटे, फिर उससे बड़ा नेटवर्क, फिर उससे बड़ा नेटवर्क, फिर उससे बड़ा नेटवर्क, इस तरीके से हमें इसको याद करना है। तो हमारा सबसे छोटा जो नेटवर्क है वो क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हमारे पर्सनल यूज के रहता यूज के लिए रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो अब देखिए, जैसे पर्सनल यानी पेन नेटवर्क, तो पर्सनल एरिया की जो लिमिट रहती है उसकी क्या होती है? उसकी लिमिट रहती है 10 मीटर तक। कितनी होती है? 10 मीटर तक। जो हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क है तो हमारे 10 मीटर तक उसकी रेंज रहती है और इससे ज्यादा नहीं जाता। जो इससे ज्यादा चला जाता है वो कहाँ आ जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क में। अब हमारा आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल का मतलब क्या होता है? जो आसपास तक फैला नेटवर्क उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क में लाते हैं। आसपास मतलब उसकी रेंज कितनी होती है? उसकी रेंज होती है हमारी 10 मीटर से लेकर उसकी रेंज कितनी होती है? 100 मीटर तक। कितनी? 100 मीटर तक। इसकी 10 मीटर से लेकर 100 मीटर तक की जिसकी रेंज होती है उसको हम क्या? लोकल एरिया नेटवर्क में लाते हैं। और जो 10 मीटर तक अंदर रहती है उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क में लाते हैं। इसके बाद हमारा आता है क्या? कैन नेटवर्क। कैन नेटवर्क मतलब कैंपस नेटवर्क। कैंपस नेटवर्क का एरिया जो रहता है, जो एक क्षेत्र तक, जैसे हमारी कॉलेज हुई, हमारी तहसील हुई या बैंक हुई, वो एक कैंपस हो गया, मतलब एक उसकी लिमिट होती है। अब उसकी लिमिट कितनी होती है? जैसे कि मान लीजिए 1 किलोमीटर, कितना? 1 किलोमीटर से उसकी रेंज कितनी होती है? 5 किलोमीटर तक। कितनी? 5 किलोमीटर। जो हमारा कैंपस नेटवर्क होता है, क्या? कैंपस एरिया नेटवर्क, उसकी रेंज होती है 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक। इसको हमें याद से याद रखना, कितनी होती है? 1 से लेके 5 तक, ठीक है, 5 किलोमीटर तक। ये कैंपस एरिया नेटवर्क की रेंज कितनी होती है? 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक, ये आपको याद रखना है। और लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज कितनी होती है? 10 मीटर से लेकर 100 मीटर तक। इसके बाद हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क की रेंज कितनी होती है? 10 मीटर तक की ओनली, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मेन नेटवर्क यानी मेट्रोपोलिटन। मेट्रोपोलिटन मतलब होता है महानगर, एक बड़ा नगर क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र, शहर को हम क्या बोलते हैं? महानगर, उसको हम बोलते हैं मेट्रोपोलिटन, जिसका
नाम है मेन, मेन नेटवर्क का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसकी रेंज कितनी होती है, 1 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर तक। कितना, 75 किलोमीटर तक। जो हमारे 1 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर तक की रेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन यानी मेन नेटवर्क, जो हमारा महानगर तक सीमित रहता है। इसके बाद हमारा आता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है ये वाइड? अब वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है वाइड यानी पूरे क्षेत्र में फैला हुआ, मतलब पूरे एरिया में फैला होता है। इस नेटवर्क की कोई अभी लिमिट ही नहीं है क्योंकि ये हमारे पूरे देश से लेकर दूसरे देश तक फैला हुआ था, पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है, इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कह देते हैं। हो सकता है कि दूसरे ग्रह में भी ये फैल जाएगा आगे चल के, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। अब नेटवर्क एक शुद्ध हिंदी में जाना जाए तो नेटवर्क, हमने बताई दिया आपको कि नेटवर्क एक भाषा है, जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बातचीत करते हैं, जैसे मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप भी आपस में बातचीत करते हैं, तभी तो ये हमारे लिए यूजफुल हो पाते हैं, हम उनको यूज कर पाते हैं। अब नेटवर्क होते हैं हमारे 5 प्रकार के, पैन नेटवर्क, लैंड नेटवर्क, कैन नेटवर्क, मेन नेटवर्क और वैन नेटवर्क। इसके बाद हमारा था पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज है 10 मीटर तक की, ठीक है? हमारा था एल लैंड नेटवर्क मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज है 10 मीटर से 100 मीटर तक। हमारा था कैन नेटवर्क, कैन नेटवर्क का फुल फॉर्म कैंपस एरिया नेटवर्क, इसके बाद इसकी रेंज होती है हमारी 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक, ठीक है? इसके बाद हमारा था मेन नेटवर्क, मेन नेटवर्क हमारा आता है, मेन नेटवर्क मतलब महानगर, एक बहुत बड़ा क्षेत्र, उसकी रेंज होती है 1 किलोमीटर से 75 किलोमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, महानगर यानी मेन नेटवर्क। अब इसके बाद आता है हमारा वाइड नेटवर्क, वाइड नेटवर्क मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क, जिसकी कोई रेंज ही नहीं है, उसको हम नेटवर्क कह देते हैं। अब दोस्तों नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क भाषा है और नेटवर्क की एक लिमिट भी होती है, जिस लिमिट में जो आता है, जो डिवाइस, जो नेटवर्क आ रहा है उसको उसी लिमिट, उसी कैटेगरी वाइज तरीके से हम इसको बांट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा नेटवर्क है हमारा ब्लूटूथ, अब ब्लूटूथ हमारा हम तक सीमित है पर्सनल तक, तो हम इसको क्या, पर्सनल एरिया नेटवर्क में लाते हैं। अगर ब्लूटूथ की रेंज बड़ी हो जाती है तो वो किस में चला जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में। अगर उससे और बड़ी हो जाती है तो वो कहाँ चला जाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क में। तो इस तरीके से जिसकी रेंज बढ़ती चली जाती है उसी नेटवर्क डिवाइस को उसी कैटेगरी में उसको रखा जाता है। तो इस तरीके से हम नेटवर्क को डिवाइस करके रखते हैं, मतलब जितना एरिया उसका बड़ा होता जाएगा उतना वो बड़ी कैटेगरी में चला जा जाएगा। कभी कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं या सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि नेटवर्क ब्लूटूथ नेटवर्क कभी कभी क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में भी आ जाता है और कभी कभी लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाता है और कभी कभी कैंपस एरिया नेटवर्क में भी आ जाता है, उसकी रेंज बढ़ जाती है। तो बात यह है कि जिसकी जितनी ज्यादा रेंज होती है वो उतनी उसकी के अकॉर्डिंग उसको अपनी कैटेगरीज में जाना होता है, तो वही नेटवर्क कहला जाता है। तो नेटवर्क एक लिमिट है और लिमिट जितनी उसकी बढ़ती जाएगी उसकी कैटेगरीज भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये नेटवर्क के बारे में था। तो वीडियो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियो देखना हमारे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं किसी और को इस वीडियो को शेयर करना, तो हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिए। आज की बात नहीं, जय हिंद जय भारत साथियों।